और सुनाओ क्या चल रहा? कुछ नहीं चल रहा बेटा, चल रहा है 80वां बर्थडे चल रहा है अमिताभ बच्चन का, हर जगह चल रहा है, उसके घर पे चल रहा है, उसके घर के बाहर चल रहा है, ट्विटर पे चल रहा है, न्यूज पे चल रहा है, टीवी पे चल रहा है, कई हैं जो नहीं चल रहा है। मेरी किस्मत नहीं चल रही है, क्या जोक मारूं मैं अमिताभ बच्चन का 80वां बर्थडे। मैं तो बस ये सोच रहा था कि यार अभी लास्ट ईयर तो 70 का हुआ था, ये 10 साल निकल भी गए। अरे यार मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ट्विटर पे गया कि देखते हैं बाकी यूट्यूबर्स ने क्या ट्वीट किया हुआ है। यूट्यूबर्स का तो कुछ ज्यादा खास नहीं मिला मुझे, मुझे मेरे दुनिया भर के सेलिब्रिटी नरेंद्र मोदी जी से लेकर रजनीकांत जी सब ने ट्वीट किया हुआ है। और मैं कहा जब दो इतने बड़ी हस्तियों ने कर दिया है, इसके बाद कौन बड़ी हस्ती होगा जो ऑनलाइन करेगा? अबे सचिन तेंदुलकर ने भी कर दिया यार, अब तीन इतनी बड़ी हस्तियां ने कर दिया है, गेस करो किसने किया होगा? सब ने, पूरी फिल्म इंडस्ट्री विश कर रही है। अबे जो स्पोर्ट्स में वो भी कर रहे हैं, मैं कहा एक मिनट चलो स्पोर्ट्स वालों का फिर भी मैं समझ सकता हूँ कि उनके पास नंबर नहीं होगा मित्र जी का। तुम्हारा तो तुम्हारा सीनियर है, अबे व्हाट्सएप कर दो यार, एसएमएस कर दो। नहीं नहीं अब कोई ये फालतू बकवास है, बट हैप्पी बर्थडे तू अमिताभ बच्चन सबकी तरह। एक तो सारी ट्वीट पढ़ के ना मेरे को एक चीज़ बड़ी फनी लगी है कि सब कह रहे हैं लंबी और हेल्दी लाइफ स्टाइल, क्या तुम चाहते क्या हो? ये दुआ दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो बे, अबे बहुत दिन हो गया तेरे कंट्रोल। वैसे हमने बहुत बड़े बड़े स्टार खो दिए यार। अबे सबसे फनी मुझे लगा कार्तिक आर्यन, मतलब सिद्धार्थ मल्होत्रा और कार्तिक आर्यन ने फोटो डाली है कि कैसे उनको ऑटोग्राफ मिला था अमिताभ बच्चन का। मैं कहा एक फोटो मतलब एक ऑटोग्राफ के लिए तुम फोटो डाल रहे हो? जेनेलिया डिसूजा याद है? हैं जेनेलिया डिसूजा एक ऑटोग्राफ लेने गई थी, अमित जी इतना पागल हो गए पूरी कॉपी भर दी, दूध वाले के लिए भी ऑटोग्राफ दिया था। एक ऑटोग्राफ प्लीज, थैंक यू सो मच। वाओ दोस्त दोस्त के लिए दूध वाला पेपर वाला धोबी, बाकी कुछ नहीं है। अरे वही पुरानी चीजें, वो फिजिक्स वाला वर्सेस कॉमर्स बाबा चल रहा था ना, तो कॉमर्स बाबा का मेरे को मैसेज भी आया हुआ था, थैंक यू कर दे भाई। मैं कहा यार सॉरी, एक तो मैं एक्टिव नहीं हूँ, और साला एक्टिव कर मतलब ऑनलाइन जाओ तो साले अननेसेसरी चीज़ों में तुमने टैग किया होता मुझे, तो उनका मैसेज दिखा नहीं था मुझे, तो मेरे को दो दिन बाद दिखा, मैंने सॉरी बोल के थैंक यू बोल दिया। अभी उनकी फिर से वीडियो आ गई, मतलब जब उन्होंने पहली वीडियो डाली थी जहाँ पे उन्होंने बोला था कि फिजिक्स वाला कॉमर्स वाले को पीटने की बात कर रहे हैं, वो गलत बात है जो हमने भी बात करी थी, तो अभी उन्होंने बोल दिया क्योंकि बच्चे उन्हें कह रहे थे कि दो दो घंटे के लेक्चर होते हैं तो वो बच्चों को एंटरटेन रखने के लिए ये किया जाता है। पढ़ाई और एंटरटेनमेंट दोनों साथ में कभी नहीं जा सकती मेरे भाई, जब तक तुम्हारा टीचर किशोर कुमार ना हो। तो उसी पे अभी रिएक्ट करते हुए उन्होंने बोला कि अच्छा 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 दो घंटे तुम ही पढ़ा रहे हो, हम तो पढ़ाते ही नहीं, जैसे हैं दूसरे बच्चों को पीटने की बात कर रहे हो। अबे एक तो बड़ी शॉकिंग क्लिप देखने को मिली मुझे यार, करते हो शर्मा क्यों रहे हो, करते हो तो सब करते हैं ठंड में, जब ज्यादा ठंड लगती है तो ऐसे सरा करते नहीं है, बाहर से गर्मी आ जाती है। मैं कहा इसको कैसे जस्टिफाई करोगे बे, पहले पीटना फिर मुठियाना, अब क्या पेलना भी सिखा रहे हो क्या? नाम में फिजिक्स वाला क्यों रखा है, ऑलराउंडर ही रख देते सीधा। मतलब बेसिकली लोग अक्यूज कर रहे थे कॉमर्स बाबू को कि वो सार्कैज़म में बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे, जो मैंने भी एड्रेस किया था, बट अगेन वॉयलेंट कहीं पर भी किसी भी तरीके से सही नहीं होता। लाइक हर्ष बेनीवाल देखो, अभी हर्ष बेनीवाल ने ट्विटर पे दिल्ली पुलिस को टैग किया है, क्यों? क्योंकि एक वीडियो थी जो बहुत दिनों से वायरल जा रही थी, और अगर तुम ट्विटर पर एक्टिव हो तुमने देखा होगा, जहाँ पे स्ट्रीट वाले स्ट्रीट डॉग्स को मार रहे थे और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करते थे, तो उस पर उसने दिल्ली पुलिस को टैग कर दिया, पीपल भाई आकाश भैया को टैग कर दिया। अब उस पर ना जनता डिवाइड हो गई, अच्छा 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 अगर तुम काम करने वाले हो और रात में कुत्ते भौंकने तो क्या करोगे, तुम अपने घर पे रखो ना। अरे सोसाइटी में तो वैसे कितने तो इन्हें क्या मालूम, अबे बस इतना ही करना होता है, उनको प्यार चाहिए, उनका हिसाब हमारे जैसा नहीं होता, उनका हिसाब बहुत सिंपल होता है, पहनी प्यार। अरे मेरा कोई ओपिनियन नहीं आ रही, ये सोल्यूशन इसका कोई नहीं है, और अगर है जो सबको मालूम है शेल्टर्स अडॉप्शंस, और अगर जब तक कोई अथॉरिटीज इस चैलेंज को नहीं लेती, मतलब बहुत सारी लेती है, बट जितने लार्ज स्केल में इसको लेना चाहिए, सीरियसली करना चाहिए, वो नहीं है। अभी क्या कर सकते हैं, करे तो करे, क्या बोले तो बोले, क्या कुछ तो ये बहुत ज़्यादा डीप वेल रूटेड और पॉलिटिकल चीज़ हो जाएगी। तो आगे मूव ऑन करेंगे एल्विश यादव पे। एल्विश पे क्यों करेंगे, पॉलिटिकल है ना। अरे यार खुद्दू लोग है यार, कुछ भी होता है। मतलब अभी एल्विश यादव का कोई दोस्त था, तो उसकी गाड़ी कहीं धस गई थी, तो उस पर ना उसने पूरे टाइम पे हंसी मजाक में जोक कर दिया, बारिश हो रही थी तो सब हेल्प कर रहे थे, और एल्विश यादव
तौलिया बांध के मजाक कर रहा था, तो इस पे कह दिया ये कैसी दोस्ती हुई ब्ला ब्ला ब्ला। क्या रोना करते रहते हो साले, तुम्हारे पास और के काम नहीं है क्या? उनकी जिंदगी उनकी दोस्ती, तुम जजमेंटल बन के बैठे हो, हम जज है। अबे इंडियन आइडल थोड़ी चल रहा है, रउडीज बनेगा तू? फालतू में पीछे पड़ गया उसके। उसको फिर दूसरी वीडियो में बता के समझाना पड़ा कि भाई मैं हेल्प कर रहा था बट दिमाग से। सही बात है, आ रोना मत किया करो यार, कुछ नहीं होता इससे। मेरे को देखो व्यूज नहीं आते, लाइक्स नहीं आते, कमेंट में भी क्या हगते हो तुम। फिर भी मैं आता हूँ ना डेली हंसते हुए मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है आ रोने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ दिमाग और क्या, हाँ बस दिमाग ही खराब होता है। टेंशन लेने से दिमाग खराब होता है। मतलब अभी देखो धीरू मौंचिक, क्रेजी दीप, एमयू वंट है, ये तीनों काइंड ऑफ रोग है। मतलब रोने वाली बात भी आई, क्योंकि इनका जो वीडियोज़ हैं पिछले 3 महीने से, एटलीस्ट धीरू मौंचिक और क्रेजी दीप का, 3 महीने से उनकी जैसी वीडियो अपलोड होती है वो डिमोनेटाइज हो जाती है, और उसके कुछ दिनों बाद मोनेटाइज हो जाती है। और उसी पर बहुत लेंदी वीडियो डाली है क्रेजी दीप ने, जहाँ पे काइंड ऑफ उसने रोस्ट भी किया है, धीरू मौंचिक ने डाली है कि कैसे उस, मतलब दोनों ने ट्राई किया बात करने का यूट्यूब चैट पे, मतलब सिस्टम से, मतलब क्या है एम्प्लॉय से, और फिर भी उनको कहते नहीं तुम्हारा चैनल ठीक है। और सेम एमी बंटाई के साथ है कि एमी बंटाई के फैंस को जो सब्सक्राइब्ड है उनकी नोटिफिकेशन ही नहीं जाती, और एमी बंटाई भी ये कह रहा मैंने सपोर्ट से बात करी थी, वो कह रहे तुम्हारा चैनल ठीक है। तीनों को सेम गोली दे रखी है, तुम्हारा चैनल ठीक है बट फिर भी व्यूज नहीं देंगे हम, या डिमोनेटाइज कर देंगे। अब मेरे को जेनरली मेरे को नहीं मालूम मैं इसमें क्या कहूँ और क्या सजेशन दूँ या मेरा क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि एग्जैक्टली 1 साल से ऊपर से मेरे साथ भी यही चल रहा है, 1.5 साल होने वाले मेरे को, और फिर भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मालूम है चेंज एक कॉन्स्टेंट चीज़ है जो होती रहेगी, बट ये डिमोटिवेटिंग होता है काफ़ी हद तक होता है यार, जहाँ पे तुम्हारा खुद मन उठ जाता है। मतलब क्रेजी दीप और धीरू मौंचिक दोनों का यही कहना है कि डिमोटिवेटिंग फैक्टर रही है, और ये दोनों तीनों ही नहीं, कल का लौंडा भी एग्जैक्टली सेम बात कर रहा था, जहाँ पे उसने KKL छोड़ दिया और अपने नए चैनल पे वीडियो डालना शुरू किया है, जहाँ पे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दैट। तो ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग होता है। अब मैं क्यों चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं अभी कुछ भी ट्राई करूँगा ना वो चीज़ और डिक्रीज करेगी। फिलहाल ये चीज़ जो कॉन्स्टेंटली चल रही है मेरी उसे ही चलने दो, जब तक चेंज मेरे को समझ में नहीं आता कि वो क्या रहा है, और जब तक ये शॉर्ट्स फिगर आउट नहीं होता ना इनका, ये यही खींचते रहेंगे। वरना मैं सेम टॉपिक उठा लूँ और दूसरा बंदा सेम टॉपिक उठा ले, मेरे पे 10,000 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, वो बंदा लाखों में चला जाएगा, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। बट बहन क्या फेयर नहीं है ना ये, बट फिर ज़िंदगी भी फेयर नहीं है तो क्या ही बोलूँ मैं। बट विशेज दे सकता हूँ यार कि दुआ करता हूँ जल्दी ठीक हो जाए सारी चीज़ें, और काइंड ऑफ मेरी भी फट जाती है जब ये लोग कंप्लेन करते हैं ना डिमोनेटाइज हो रही है या रीच रुकी हुई है। मैं कहा मेरी डिमोनेटाइजेशन तो प्रॉब्लम नहीं है दोनों चैनल के साथ, मेरी हो जाती है मोनेटाइज, बट इनके साथ हो रहा था यार, मेरा नंबर भी आने ही वाला है। रीच तो पहले से रुकी हुई है, मोनेटाइजेशन होने, इसलिए मेरे को ज़्यादा बुरा नहीं लगता कि चलो व्यूज कम आ रहे हैं, पैसे तो बन ही रहे हमारे फिर भी। बट डेली वीडियोज़ करने का एक तो फ़ायदा होता है, अब धीरू मौंचिक हो गया या फिर अपना क्रेजी दीप हो गया या KKL हो गया, ये वीक में वीडियो डालने वाले हैं, 1 या 2 वीडियो डालने वाले हैं, तो वो भी बड़ा इशू होता है। बट उनके व्यूज़ मेरे से ज़्यादा होते तो फिर वो एडजस्ट हो जाता है, साला मैं ही गधा निकला हूँ तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है, चोरी का काम करना पड़ रहा है मुझे, मजबूर किया मुझे यूट्यूब ने, ज़्यादा सीरियस हो रहा था इसलिए बकवास करने पे आना पड़ा। बाकी थगेश प्लान कर रहा है मीटअप का, जहाँ पे वो कह रहा है कि 2 ही सिचुएशन है, या तो कोई नहीं आएगा या इतने लोग आएंगे कि पुलिस उसे ले जाएगी। मैं कहा मत कर भाई मत कर, बहुत हेक्टिक काम होता है, मेरे से ना हो ना, मैं बता रहा हूँ मैंने बस एक ही बार मीटअप करा हुआ है, उसमें मैक्स ने कहा था मेरे टाइम में भी 100-150 लोग आ गए थे, मैं कहा 50 तो मेरे में भी आ गए थे यार, कोई नहीं अगली बार करिएगा मैं भी आऊँगा। अभी मैक्स ने फॉलो बैक किया, लव यू ब्रो, आई लव यू 3000, मुझे बड़ा मस्त लगता है इसका ट्विटर अकाउंट, ट्वीट से एक नंबर होते हैं। तेरे बाप को मत सिखा, चल। इसके अलावा शिखर धवन न्यूज में, क्योंकि शिखर धवन मूवी में आ रहा है, कैमियो कर रहा है। मैं कहा क्रिकेट में भी तो कैमियो ही कर रहा है, 3 मैच में कितने रन मारे साले ने, साला कैप्टन है, इतने कम रन मार के टॉस करने जाता है, प्रेजेंटेशन अटेंड करता है, जीत या हारे उस पर भी बोलना पड़ता बंदे को, मैं शर्म आया है कि नहीं है, उसके बाद ये न्यूज़ दे रहा है कि मूवी में जा रहा हूँ मैं जा रहा है। एक तो मेरे को अभी तक ईशान किशन का बुरा लग रहा है कि उसके 100 नहीं हुए, आज भी जल्दी आउट हो गया बेचारा, बट ठीक है। मैं सुबह उठा, मैं देखा स्कोर, मैं 99 पे ऑल आउट, मैं कहा ये तो ODI चल रहा था ना, ये T20 है क्या? अब पता चला 99 पे ऑल आउट है यार, उसके लिए भी हमने 2-3 विकेट गिरा दिए, बताओ शर्म नाम की चीज़ नहीं। शुभमन गिल पता नहीं क्या सारा से मिलने के जल्दी थे वाला मार लेता हाफ सेंचुरी, अब्बा नहीं मानेंगे। हाँ तो बाकी तुम्हें मालूम नहीं है क्या करना है, लाइक तो बिल्कुल नहीं करना, वो तो तुम्हें पता ही है, वो तो तुम मान के बैठे हो हरामी जो ठहरे, और सब्सक्राइब तो करने की सोचना भी मत,
क्योंकि नए बंदे मुझे देखते नहीं, जो पुराने देखते हैं वो अनसब्सक्राइब करके जाते हैं, मेरा उल्टा है। तो डिसलाइक करो, सब्सक्राइब भी बोलो, अनसब्सक्राइब करो, और कमेंट क्या करोगे? लाइक करते नहीं, कमेंट क्या करेंगे साले? लाइक होता नहीं, कमेंट क्या ही करेंगे ये? जाओ, मैं भी फिजिक्स वाला ज्वाइन करने वाला हूँ, और फिर मुठियाना सिखाऊंगा, चलो जाओ, पीस आउट।